अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। प्रेम से भरी हुई आँखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को सवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वो प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल। और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वो व्यक्ति विशेष है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहाँ लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जीवन और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है।